आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया था और आपका पास एक इस तरीके का रिसीप है। ये रिसीप से आपको चेक करना है कि आपका आधार कार्ड बन चुका है या रिजेक्ट हो चुका है। अगर आपका आधार कार्ड अप्रूवल मिल चुका है तो आप आधार कार्ड को ऑनलाइन में डाउनलोड कर सकती है, और अगर रिजेक्ट हो चुका है तो आपको दोबारा से आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। आपका पास इस तरीके का रिसीप है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसको ऑनलाइन में कैसे चेक कर सकती है आपका आधार कार्ड बन चुका है या रिजेक्ट हो चुका है। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मैं कोई भी वीडियो अपलोड करो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए सबसे पहले और आप कुछ सीख सके अपने मोबाइल से। तो चलिए शुरू करता हूँ आज के इस कमाल के वीडियो को। आधार कार्ड के स्टेटस चेक करने के लिए अपने मोबाइल पर आपको गूगल ओपन करना है, नहीं तो आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर सकती है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है uidai.gov.in, आपको सर्च करना है यहाँ मोबाइल पर गूगल पर। उसके बाद आपका लैंग्वेज यहाँ पर पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर सकती है, नहीं तो आप किसी दूसरे लैंग्वेज पर भी सिलेक्ट करके आगे पढ़ सकती है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है डाउनलोड आधार, आपको डाउनलोड आधार ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड आधार ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है चेक एनरोलमेंट अपडेट स्टेटस, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर आपको जो एनरोलमेंट 14 डिजिट का नंबर है ना, ये नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ये कैप्चर डालना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर 14 डिजिट नंबर डालना है, कौन सी ईयर में आपने ये आधार कार्ड अप्लाई किया था। जैसे कि मैं 2022 में ये आधार कार्ड अप्लाई किया था तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डालूंगा, उसके बाद 2022 डालूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है मंथ, कौन सी मंथ में आपने ये आधार कार्ड अप्लाई किया था। अगर आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अप्लाई किया तो आप 10, 11, 12 डालेंगे। अगर उससे पहले आपने आधार कार्ड अप्लाई किया था 1 से लेकर 9 तक तो आप 01, 02, 03 इस तरीके से एंटर करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर मंथ डालेंगे और सॉरी डेट डालेंगे, कौन सी डेट में ये आधार कार्ड आपने अप्लाई किया था। उसके बाद यहाँ पर एक टाइमलाइन शो हो रहा है, जैसे कि देख सकते हैं इस टाइमलाइन को आपको यहाँ पर जैसे सेम आपको इसी तरीके से यहाँ पर भी डालना होगा। उसके बाद ये कैप्चा डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एंटर करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर एंटर करने के बाद सबमिट करने के बाद क्या रिजल्ट आता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकती है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 14 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर डाल देना है। उसके बाद जैसे कि मैंने ये आधार कार्ड अप्लाई किया था 2022 में, तो मैंने यहाँ पर एंटर किया 2022। उसके बाद मैंने एंटर किया ये आधार कार्ड मैं 09 यानी सितंबर में अप्लाई किया था, तो मैंने यहाँ पर एंटर किया 09। उसके बाद मैंने 23 डेट को अप्लाई किया था यानी सितंबर 23 को ये आधार कार्ड अप्लाई किया था। 12:51 पर मैंने ये आधार कार्ड अप्लाई किया था और 18 सेकेंड था। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से टाइमलाइन को सही तरीके से डालना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मेरा कैप्चा सही नहीं है, तो चलिए मैं इसको दोबारा से करके आपको दिखा देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जैसे कि देख सकते हैं योर आधार कार्ड हैज़ बीन जनरेट, प्लीज़ डाउनलोड ई आधार फ्रॉम UIDAI ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यानी ये आधार कार्ड बन चुका है और ये बताया जा रहा है कि आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकती है आधार कार्ड का जो वेबसाइट है ऑफिशियली, आप वहाँ पर जाकर नहीं तो किसी भी शॉप से भी डाउनलोड करवा सकती है यानी पिन करवा सकती है। और मैंने भी काफ़ी वीडियो बनाया हुआ है कि मोबाइल फ़ोन से आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, जाकर देख सकती है। आई बटन में वीडियो मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर भी देख सकती है और अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे एक आधार कार्ड डाउनलोड कर सकती है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको सही इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अगर आपका मन में किसी भी तरह का सवाल है, क्वेश्चन है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती है। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।